नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद जिगीशा। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ कुछ खट्टा, तीखा और मीठा। देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। हाँ, भाखरवड़ी। भाखरवड़ी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक बाउल मैदा, आधा बाउल बेसन, चीनी, सौंफ, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च, तिल, ऑयल, भुनी हुई सींग, सूखे मसाले में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और नींबू का रस। मिक्सी में सारे मसाले क्रश कर लेंगे। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है तो आटे का। मैदा आप जितना लेते हो उसका आधा पार्ट आपको बेसन लेना है। मसाले क्रश करने के बाद इसमें डालेंगे नींबू का रस और ऑयल। हमारा भाखरवड़ी का मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, उसको हमें गीला ही रखना है, क्योंकि जब हम भाखरवड़ी फ्राई करेंगे तो मसाला सूखा होगा तो पूरा मसाला ऑयल में बाहर आ जाएगा और हमारी भाखरवड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें भाखरवड़ी का जो मसाला है उसको गीला ही रखना है, जैसे कि गोला बन जाए। अब हमने जो लिया था एक बाउल मैदा और आधा बाउल बेसन, उसमें डालेंगे नमक और ऑयल। ऑयल हमें इसमें ज़्यादा ही चाहिए। आटा हमें न ज़्यादा सख्त और न ज़्यादा नरम, ऐसा आटा गूंदना है। से 20 मिनट के लिए आटे को हम ढक कर रख देंगे। न ज्यादा मोटी और न ज्यादा पतली ऐसी रोटी बेलेंगे और हमने जो स्टफिंग रेडी किया था वो पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे और रोटी के चारों ओर पानी से उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारी भाखरवड़ी जब फ्राई करे तब वो खुल ना जाए। जब हमारा स्टफिंग रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए उसके बाद हम एक अच्छा सा रोल बना देंगे और उसको भाखरवड़ी का शेप देकर कट कर लेंगे। भाखरवड़ी हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। दोस्तों, ये नाश्ता आप दिवाली पर भी ट्राई कर सकती हो, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलता है और ये ख़राब नहीं होता।
तीखी, खट्टी, मीठी, यम्मी और टेस्टी भाखरवड़ी आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।